राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को कृषि विरोधी कानून वापस लेने के लिए सौंपा ज्ञापन। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी और शहर अध्यक्ष अब्दुल फरीद बंदूकिया के नेतृत्व में गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की अपील की गई। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिलाध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने बताया कि किसान विरोधी कानून के विरोध में संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के जरिए दिल्ली सिंघू बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 55 दिन से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। जबकि किसानों की सिर्फ एक मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। इसी को लेकर देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर मोर्चा द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। केंद्र सरकार ने 5 जून को 3 किसान विरोधी अध्यादेश पारित किया था। वो किसान विरोधी है और किसान उनका विरोध करते हैं। जिस तरह कांग्रेस सरकार अपने कर्ज माफी के किए हुए वादे से मुकर गई, ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी 2014 में किसानों से कहा था, किसान भाइयों हमें दिल्ली भेजो, हम तुम्हारे लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं और किसान, जबकि किसान विरोधी जो बिल थे उनकी मांग ही नहीं कर रहे थे, जबरन किसानों के साथ थोपे गए हैं। ये किसान विरोधी बिल है, ये किसानों के साथ धोखा किया है, ये बड़े पूंजीपतियों को पनपाने के लिए ये 3 किसान विरोधी बिल अध्यादेश पारित किया है, जिसका किसान घोर निंदा करता है। ये किसान विरोधी बिल, काले कानून, जो देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था उस टाइम प्रचार करने की जरूरत थी, लेकिन जबरन से किसान विरोधी बिल थोपेंगे। आज यहाँ अजमेर कलेक्ट्री के बाहर किसानों ने धरना देकर अपना विरोध जताया है और कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है कि हमारी मांगे मानी जाए, अन्यथा राजस्थान की धरती से किसान आंदोलन पर बैठेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer, or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer.